ओके ख्वातीन हजरत, ये पार्ट टू है। मैंने सोचा था शायद हम और मज़ीद बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने दरियाफ्त की और मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। इसमें से एक तो ये वाली है वीडियो, जो कि ये गालिबन मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुका हूँ म्यूज़िक के हवाले से। जो कुछ लोग कहते हैं कि म्यूज़िक बिल्कुल हराम है और कुछ कहते हैं कि बिल्कुल हलाल। अच्छा, ये वही वाले बाबा जी हैं जो पिछली वीडियोस में भी मैं कहीं देखता रहा हूँ, तो ये यहाँ भी हैं। ये मेरे ख्याल कोई इनकी रेगुलर विजिटर हैं, इनकी महफिलें जितनी भी समा की महफिलें होती हैं। खैर बहरहाल, एज आई सेड अर्लियर कि मकसद ये नहीं है कि आप बहस करें कि ये सही है या गलत है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि इनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कितने ज़बरदस्त हैं। ये स्टार प्रेजेंटेशन आपकी मौजूदगी में एक मरासी के बेटे ने ये दावा किया है कि मैं चैलेंज करता हूँ तमाम अहले सुन्नत को, मुल्ला क्या है, मौलवी क्या है, वो कैसे हमारे पास पहुंची, उस कुत्ते को हमारे सामने कीजिए। कौन है वो पेजर जिसने ये दावा किया, लाइए हमारे सामने उसे। जब आपकी ये औकात है कि आपको इनमें मुनाजरा की तारीफ भी नहीं आती, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपकी बातें ना करें। मुझे आपसे ज्यादा ऊंची बातें करो, करो ऊंची करो, इनमें मुनाजरा की तारीफ बताओ, इनमें मुनाजरा की तारीफ बताओ। वो साहब जो बहुत ही लाउड हैं, ये बेचारे मासूम से, मासूम तो खैर नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल वो ये उतनी असर्टिव और लाउड नहीं है जितने वो दूसरे साहब हैं। माशाल्लाह, सफेद चादर, स्याह नूरानी दाढ़ी, माशाल्लाह। ये बेचारे बड़े कमजोर से, तुम किस वास्ते बैठे हुए थे? अच्छा जी, एक और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग मनाजरा मिला है। ये आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि मुल्क के क्या हालात हैं, कितने करप्ट लोग मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं और ये किस किस्म की हरकतों में मसरूफ हैं। इनको ये पढ़ी होती है उलमा हजरात को कि किस किताब में क्या लिखा हुआ है और उस इन किताबों को और इन रेफरेंसेस को यूज करके दूसरे को जलील कैसे करना है। एसेंशियली दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू टू ईच अदर। ने फरमाया इकराऊ हाँ, उसको पढ़ो सूरत फातिहा को, इसलिए के अल्फाज है इकराऊ, इसको सूरत फातिहा को जरूर पढ़ो, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, ये माता इमाम मोहम्मद है इसके अंदर है, इसलिए सूरत फातिहा जब तक नहीं पढ़ेंगे। फरमाया ये नमाज है, नमाज को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, मेरा बंदा जब कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी, अल्लाह कहते हैं हमद नहीं अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की है, इजा काल रहमजा कहते हैं अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह कहते हैं असना लिया बंदी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की है, जब कहता है बंदा कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, मेरे बंदे ने मालिक ने मुझे मेरी बड़ाई बयान कर दी, ये कादी मुंह बंद करके खड़ा रहता है नमाज पढ़ने के लिए आया है और वो कहते नहीं, अल्लाह उसको क्या जवाब देते हैं? तो खुदा का खौफ करो। और सुनो, आप जाबर का कौन पेश कर रहे हैं, वो जाबर का कौन है? उनकी हदीस नहीं है, जाबर ने कहा है, जाबर की हदीस पेश करो, आप जाबर का कौन पेश कर रहे हैं? और ये अबू हुरैरा उस शख्स की नमाज खत्म नहीं होगी। अच्छा, इधर आप सुनेंगे, इधर अबू हुरैरा की बात की, पिछली वीडियो में भी मैंने ये शिया हजरात का आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि वो लोग अबू हुरैरा और एसेंशियली किसी भी सहाबी की अहदीस को, आई रियली डोंट नो व्हाट्स दी हाउ देयर सिस्टम ऑफ रिलीजन वर्क्स, बट दे डिसरिगार्ड कम्प्लीटली मोस्ट ऑफ द रेफरेंसेस कंसिडर्ड ऑथेंटिक बाय द सुन्नी मुस्लिम्स। And one of those authentic references Abu Huraira. किस देश के लोग जब तक कौन पेश कर रहे हैं? और ये अबू हुरैरा जैसा फरमाया है सूरह फातिहा, उस शख्स की नमाज खत्म नहीं होगी, उसकी नमाज तो मुर्दा है, और ये है नमाज सूरह फातिहा। अगर सूरह फातिहा को अल्लाह नमाज कहा और दो हिस्सों में नमाज को तकसीम कर दिया, सूरह फातिहा ही को नमाज कहा है? इससे यूसुफ को झूठा साबित करें, झूठ का साबित करें। सुनो, ये सूरह के अल्फाज हैं, दोबारा दोहरा रहे मैं।
ये आप देखें, किताबें इन्होंने याद कर ली हैं, इल्म बहुत है, कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है। वो आप देखें उंगलियां फेर फेर के, उनको उनको लाइन भी याद है, सफा भी याद है, लेकिन ये नहीं पता कि आर्गुमेंट में थोड़ी तमीज से भी बात करनी चाहिए। साहब जितनी हदीसें पढ़ रहे हैं वो अकेले की पढ़ रहे हैं, बात तो मुक्तदी की है, खुदा के बंदे कुरान पढ़ ना, गाड़ी के बाल सुधार दो ना। कुरान के अंदर अगर निकल आए कि मुक्तदी इमाम के पीछे फातिहा नहीं पढ़ेगा तो हम ठीक है यार पढ़ना शुरू कर देंगे। आप कुरान से तो दिखाएं ना, आप बुखारी शरीफ से तो मुक्तदी का लफ्ज दिखाएं, सरकार ने फरमाया हो, मुस्लिम शरीफ से सरकार ने फरमाया हो, ये तो दिखाएं ना। आपने फिर वो हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ वाली जो मैं पढ़कर बता चुका कि कायल हजरत अबू हुरैरा है, नबी पाक नहीं। और फिर दूसरा मैंने इकरा बिहा की नस्यता का माना बयान किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैं पढ़कर बता चुका कि ये अब दोबारा सुने जी, अबू हुरैरा के रेफरेंसेस ओवर एंड ओवर अगेन। So Abu Huraira is highly regardable and respectable amongst Sunni Muslims. सरकार ने फरमाया हो ये तो दिखाए ना। आपने फिर वो हदीस पढ़ी मुस्लिम शरीफ वाली जो मैं पढ़कर बता चुका कि कायल हजरत अबू हुरैरा है, नबी पाक नहीं। और फिर दूसरा मैंने इकरा बिहा की नस्यता का माना बयान किया था, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने ये देखें, ये एक लफ्ज इकरा बिहा कोई एक अरबी का ये कोई लफ्ज यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, उस पर बहस हो रही है। मुल्क के लहसन लगे हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं लोग, इनको एक लफ्ज की पड़ी हुई है कि अरबी में एक लफ्ज है, उसका क्या मतलब है? और बाय द वे ये ऑब्वियसली अहले ज़मान भी नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि उसको इंटरप्रेट के एक्चुअली कैसे करना है। अरबी बोलना एक अलहदा बात है, लेकिन उसको कहना है कि मैं समझता हूँ कि इसकी पूरी ग्रामर क्या है, ये आई रियली डोंट थिंक कि अहले ज़बान के सिवा कोई ये रियली क्लेम भी कर सकता है। देयर इज मोर टू एनी लैंग्वेज देन जस्ट बीइंग able to speak and communicate in that language. आपने ही आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था ये हदीस अकेले के लिए है, आपने जवाब नहीं दिया। सहाबी रसूल कहती है ये हदीस अकेले के लिए है, आपने जवाब नहीं दिया। तिर्मिज़ी शरीफ से मैंने पढ़ के दिखाया था, सहाबी रसूल कहती है। अब जी वो चलते हैं, वो जो अबू हुरैरा व्यवहार कर दे केले दा, ये बड़ा ये इन्होंने एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्याज वाला वाकया, ये प्याज की कोई रवायत बयान कर रहे हैं, वल्लाह आलम बिस्वाब की हुआ भी कि नहीं, ये सिर्फ जबान का जबान की कारीगरी दिखा रहे हैं, लेकिन बहरहाल सुने किसी बंदे ने ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया जी, प्याज का वाकया। जिन्हां दा हकीकत दलाइल बुरहान नाल वास्ता ही नहीं, पैरा दी कमाई है क्या, सारी अबू हुरैरा दी कमाई है। वो अबू हुरैरा को सर आंखों पे बिठा रहे हैं और ये जो है ये कह रहे हैं कि भाई अबू हुरैरा तो ड्रामा थे बिल्कुल, पता नहीं असल असलियत क्या है, मैं आपको सिर्फ इनका व्यू पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। क्या सारी अबू हुरैरा की कमाई है, ओ ओ रवायतें इन्हें लिखियां जिन्हों का हकैक दलैल बुरहान नाल वास्ता ही नहीं, कि सारिया कमाइया उस बाबे दियां जिहड़ा बिलियां का प्यो है। किसी बंदे दे कोल किमला प्याज सन, जिवें लोकी व्यापारी व्यापार करदे केलियां दा, सेबां दा, अनारां दा, उन्हें गंढियां दा कीता, वो प्याज ना विकण ते गल दे जां, वो हजरत अबू हुरैरा कोल आए। सुने ये ऐसे बयान करते हैं जैसे ये सब लोग, ये भी और इनसे पहले वाले भी, जैसे ये जब ये सब हुआ था ये वहां पे मौजूद थे और विटनेस कर रहे थे सारा कुछ। और साथ आप ये भी सुने कि जो पीछे लोग जो बैकग्राउंड में हंस रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं इस नरेशन को, वो लोग कितना कितना लुत्फ उठा रहे हैं और वो लोग कितना फॉलो कर रहे हैं। व्हाटएवर दिस गाय इज सेइंग, सैयदी मुर्शदी हबीबी मैं मरना मैं तो काटा पैन दिया। उन्हें क्या क्यों आखे प्याज गल दे पे लोग लेंदे क्यों नहीं, उन्हें आखे तो एक मिनट की मार मुनाफे दाद टुक ल, उन्हें कह जी अद्धो अद, उन्हें जनाब बाजार टंडोरा देना शुरू कर दिया। मुसलमानों पता जी अज दिन केड़ा है, बंदिया कन्न चुके रहा जू हर वेले रसूल के गोडिया का
ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਸਾਬੀਏ ਰਸੂਲ ਏ ਬਈ ਇਹ ਕਾਤਬ ਏ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਖਾਏਗਾ ਜੰਨਤ ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਛਾਬੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚਿਆ ਛਿੱਲੜ ਹੀ ਨਾ ਵਿਕ ਗਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਬੀਬੀ ਆਇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਬੂ ਹਰਾਰਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਇਧਰ ਆਖਾ ਅਬੂ ਹਰਾਰਾ, ਰਸੂਲ ਕਦੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੰਢੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਰਸੂਲ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੋਈ ਨੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਫਿਦਕ ਦੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੜਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਟੋਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਰੀਖ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤੋ ਇਹ ਜੀ ਇਨਕਾ ਥਾ। ਆਪਨੇ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਵੋ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਜੋ ਉਨਕਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੋ ਵੀ ਆਪਨੇ। ਯੇ ਇੱਕ ਔਰ ਇੰਟਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਧਰ, ਯੇ ਵੀ ਅਗੇਨ ਵਹੀ ਲਫਾਜ਼ੀ ਔਰ ਰਸਾਲੇ ਔਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਪੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਨੇ ਗਲਬਾ ਕੀਆ, ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਆ, ਰਸਾਲਾ ਰਸੂਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਬ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕਰਵਟ ਲਈ ਤੋ ਦਿਲ ਮੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੋ ਪੁਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਾ ਥਾ, ਜਬ ਰੱਖ ਦਿਆ ਔਰ ਲੇਟ ਗਏ ਤੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੈਕ ਬੋਨ ਟੂ ਬੁੱਕ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸ ਮੇ ਛਪੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ, ਯਹੀ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਇਮਦਾਦ, ਪੀਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸਕਾ ਅਦਬ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲੀ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਅਦਬ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਾਤਿਮਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਕੇ ਪਿਆਰੋ ਕਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ। ਯੇ ਅਬ ਸਾਥ ਉਨਕੀ ਵਾਵਾ ਸੁਨੇ, ਯੇ ਤੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹਜੂਮ ਬੈਠਾ ਹੋ ਜੋ ਸੁਨ ਕੇ ਉਨਕੀ ਵਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪ ਉਨਕੋ ਮੁਲਾਹਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਆਪ ਬਲਾਈਂਡ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ ਇਨ ਸਭ ਕੀ। ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਯਾਰੋ ਕਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਰਵੀਂ ਵਾਲੇ ਕਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਛਠੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ, ਤੋ ਇਨਕੋ ਫਿਰ ਕੇ ਸੋ ਗਏ, ਸਰ ਕੇ ਜਾਨਿਬ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ, ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖਵਾਬ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਪੜ੍ਹਤਾ ਹੂੰ। ਆਈ ਸਲੈਪਟ, ਆਈ ਐਮ ਸੀਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ, ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਕਲਮਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਡ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਡ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ, ਬਟ ਆਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁਲਲਾਹ ਆਈ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ ਇਨ ਹੀਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਹਿਸ ਪੀਰ, ਐਂਡ ਵਟ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਇਟ? I want to say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, but I am saying in the dream La ilaha illallah Ashraf Ali Rasulullah. You see, isme le lo taki main kaisa ghar bhej dun, tum agar mere yahan nahi aaoge to meri behas tumhare ghar mein jayegi, hum rasool wale hain, jab tak toba na kar lo peecha nahi chhodenge। कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम लेता हूँ, इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई, आई थॉट इट इज रॉन्ग। कलमा शरीफ के पढ़ने में साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, उसको सही पढ़ना चाहिए। इन द रीडिंग ऑफ कलमा इट शाल बी करेक्ट, इस ख्याल से दोबारा कलमा, बाई दिस आइडिया आई रिपीटेड, दोबारा कलमा पढ़ता हूँ। और दिल में तो ये है कि सही पढ़ा जाए, आई एम थिंकिंग इन माई माइंड कि आई वांट रीड करेक्ट, बट ये बट बहुत लगा हुआ, सही पढ़ा जाए, लेकिन जुबान से बेसाख्ता इनवॉलेंट्री एक्शन में निकला, रसूलुल्लाह के नाम के बजाय अशरफ अली निकल जाता है। अपने सामने देखता हूँ, अपने पीर को बोलता है। मेरे ख्याल काफी है ये सेकेंड एपिसोड के लिए, कोई और दिलचस्प मिलेगी चीज तो वो भी पेश करेंगे। और इन द एंड छोड़ यार, तुम्हें क्या पता है।